सवाल एक लाया हूँ। मेरा सवाल है, आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक को 342 रुपये में पहले से 7 kg किलोग्राम आलू कम खरीद पाता है, तो आलू का आरंभिक मूल्य क्या होगा? मैं पहले सवाल में मैं बताया था आरंभिक मूल्य आपको निकालने के लिए, आरंभिक मूल्य निकालने के लिए आपको एक बताया था फॉर्मूला कि एक्स वाई बटे 100 प्लस एक्स इंटू ए। तो इसे आप x मान ले और इसे आप y मान ले, इसे a मान ले, आप इस फॉर्मूला पे बैठे आपका आंसर आ जाएगा। जब आरंभिक निकालते हैं तो 100 में परसेंट को जोड़ करके निकालते हैं, तभी जो है आपका आंसर आरंभिक निकलता है। यदि 100 पे निकालिएगा तो आपका जो है नया मूल्य निकल जाएगा 14 गुना वाई का मान है 342, 342 बटे 100 प्लस 14 और बगल ए का मान रख दीजिए 7, तो हो गया 14 गुना 342 बटे 114 गुना 7। अब इसे कटेंगे, तीन बार में कटेगा, 7 × 14 3 × 6 रुपया प्रति किलोग्राम किलोग्राम आरंभिक आरंभिक मूल्य था। तो इस तरह से सवाल को बनाते हैं, सवाल को समझिए, कुछ याद रखिए, इसे आप याद रख लें तब आपको सवाल बनाने में आसानी होगा। यदि दूसरे तरह से सीखना चाहते हैं मैं दूसरे तरह से भी बताऊंगा सवाल को, पहले इस सवाल को आप इस तरह से सीखें। थैंक यू। तो यह है आपका दूसरा तरीका भी, मैं इस सवाल को बनाने के लिए बता रहा हूँ। इस सवाल को दूसरे ढंग से कैसे बना सकते हैं आप, 342 का ये जो 342 है आप इसे 342 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो इसे हम जब डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 114 आएगा, फिर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे 57 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 19 57 3 × 6 है। आप इसका गुणनखंड दो भाग में बांट दें, एक आएगा 6 रुपया, एक आएगा 1997 केजी। कहने का मतलब 6 रुपया केजी के दर से 6 रुपया दर हो गया ये, और 57 केजी का दाम जो है के दाम से मेरा जो है टोटल 342 रुपया होता है। आप इसमें 14% बढ़ा दीजिए, कितना वृद्धि होता है 14% 100 और इसमें क्या कहता है 7 kg कम आलू खरीदता है, 57 kg खरीदता है, 7 kg कम कर दीजिए 50 kg खरीदेगा। इसे भी हल करके देखें आपका आंसर 50 × 2 से काटेंगे 3, आप ये दोनों को गुणा करेंगे 342 रुपया, क्योंकि आपका आंसर सही है। तो दूसरा गुणनखंड के रूप से भी इस सवाल को बना सकते हैं। थैंक यू। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए, एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किए, 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, तो पूर्णांक क्या है? कहने का मतलब पूर्णांक निकालना हो तो 100% होता है, 100% निकालेंगे तो आप फुल पूर्णांक निकलेगा। पास होने के लिए हमें 33% जरूरी था होना चाहिए, लेकिन वह लाया कितना, 220 लाया है। अभी हम जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं, ये पास है, बराबर में भी पास को रखना है, तो इधर तो अभी ये फेल है, जब इसमें 11 जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा, इधर भी पास 33% में पास, इधर जोड़ दिए तो पास हो गया, दोनों साइड पास हो गया। तो इधर जो पास मार्क्स है 220 प्लस 11, फुल मार्क्स निकालना है, फुल मार्क्स होता है 100%, तो 100% 33% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना होगा, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 1 3 2, 11 से काटेंगे 11 × 22 11 का 33, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 7। कहने का मतलब 1% बराबर कितना निकला 7, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 700, यही आंसर हो गया, ये निकालने का आसान तरीका था। तो इन सवालों में जो भी परसेंट निकालना हो, आप परसेंट को सेम जितना परसेंट दिया हो उसके बराबर कर देने से आंसर जो है निकाला जाता है। जैसे 33% पास था, इधर भी पास रखे, फिर 100% का वैल्यू फुल मार्क्स निकला। तो एक क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी पास हुए, यदि 27% परीक्षार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कि फेल हो गए, कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी की संख्या 248 हो, तो परीक्षा में बैठने वाले की कुल परीक्षार्थी की संख्या कितनी है, टोटल 100% निकालना है। तो मैं इसे डायग्राम की बात करता हूँ, डायग्राम में कैसे जान समझेंगे, ये रहा आपका डायग्राम, और इस डायग्राम में आपको बता रहा है ये 100% का डायग्राम है, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में इंग्लिश में और 65% विद्यार्थी जो है गणित में मैथ में पास हुए, 27% विद्यार्थी फेल हुए, 100 में 27 फेल हुआ तो पास कितना हुआ, पास हुआ 73, 73% विद्यार्थी दोनों में पास हुआ, 27% फेल हो गया, 100 में 27 फेल हो गया तो पास कितना हुआ, पास हुआ 100 में 27 को घटा देंगे, 100% में 27% घटा देंगे, 73% दोनों में बोध विषय में पास हुआ।
तो अब बात करते हैं इसे निकालना कैसे है। इसे निकालना जब 70% हम लिख देते हैं तो मेरा 70% इस तरह से यहाँ से घूमता है, फिर 65% लिखते हैं तो यहाँ से घूमता है। कहने का मतलब 65 जब लिखेंगे तो यह लिखा जाता है, इस 70 लिखेंगे तो यह लिखा जाता है, मतलब दो बार लिखा जाता है। तो हम इसे कैलकुलेशन जो करेंगे, जो मेरा आंसर निकलेगा, 70 को जोड़ देंगे और 65 को जोड़ देंगे, लेकिन 27 इस खटाल में भी आ गया और इस भाग में भी आ गया, दो बार आया है, इसमें 73 को घटा देंगे। इस 73 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा टोटल पास वाले विद्यार्थी, तो पास वाले की परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पे, पास की परसेंटेज कितना आया और पास विद्यार्थी कितना है, 248 है। तो इसको जोड़ेंगे 5 और 6 5 11 और 73 घटाएंगे 115 में जब 73 घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर, 62% आएगा, 62% 248 एक बराबर कितना आएगा, 1/4 आएगा, 1% बराबर 4, 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर होगा 400। टोटल मार्क्स कितना था, टोटल मार्क्स 400। तो इस तरह से आप जो है सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।